हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और हम यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आप अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप एक बार ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, मेरा दावा है ये सवाल आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे और परीक्षा में जब भी इन सवालों का सामना करेंगे आप आसानी से सही उत्तर का चयन कर सकोगे। इसलिए हमारे चैनल में आने वाले सभी वीडियो को जरूर देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 45 होल 5/11% सैंड, 36 होल 4/11% ऑफ ग्रेवल एंड रेस्ट सीमेंट। फाइंड द वेट ऑफ द मिक्सचर विच कंटेन्स 12.5 केजी वेट ऑफ सैंड। ऑल्सो डिटरमाइन द वेट ऑफ मिक्सचर दैट विल कंटेन 4 केजी वेट ऑफ सीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, तो भाई सैंड का परसेंटेज दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, तो हम लोग पहले किसका फाइंड करेंगे, इसका लेट करेंगे, द लेट वेट ऑफ मिक्सचर बी एक्स के जी। देन इसको ऐसे लिख करके समझ सकते हैं और इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देन के बाद लिख सकते हैं 45 5/11% ऑफ एक्स के जी 12.5 के जी, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको मैंने कहा था आप लोगों को कि आप इसको कैसे करें, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग डिटरमाइन करते हैं किसको, इम्प्लाई दैट लिखते हैं, पहले हम लोग इसको इम्प्रॉपर में तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, मिक्स नंबर 45/11 कितना होगा, 4/9 5 प्लस 5 ये होगा इंटू यस एक्स के जी, लेकिन इसके नीचे 11 होना चाहिए, 12.5 के जी यही तो होना था जो कि आप पहले बना चुके हैं। इसके आगे चलें, हमें मिल गया यहाँ पे 500 इंटू एक्स के जी इक्वल टू 12.5 के जी, यहाँ मिल गया और ये 11 इससे मल्टीप्लाई हो गया, ट्रांसपोज करते डिवाइड किए तो ट्रांसपोज नहीं होगा। अब हमको क्या मिलेगा, एक्स के जी कितना मिलेगा भाई, मिक्सचर मेरे कितने 12.5 के जी इंटू 11। एक चीज और छूट रहा है, क्या छूट रहा है, तो ये हाँ जी वो छूट रहा है 100 इंटू 100, यहाँ पे 100 तो ये 11 के साथ 100 भी आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 100 और डिवाइडेड बाई 5, 100 2020 कैंसिल हो गया भाई, नहीं अरे हाँ या ना, अब 5 से 1 हुआ तो 1, जब हम डेसिमल को कैंसिल किए तो नीचे 10 लिख दिए, 10 लिखे तो फिर 5 पहले 5 से कैंसिल करते हैं, 5 2 10, अब 5 5 25, मेरे को क्या मिला 2 5 × 11/10, के जी रहेगा ही रहेगा, के जी कैंसिल भी हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग के जी को भी कैंसिल कर सकते हैं, मान लीजिए के जी को कैंसिल कर दिया, लेकिन सिर्फ हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या किया, 25 और 11 को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे को मिल गया 7 5 / 10, मेरे को कितना मिलेगा 27.5, किसका है ये, टोटल मिक्सचर हो गया सैंड कंक्रीट राइट। अब हमको बोला कि सीमेंट अगर 4 के जी तो कितना होगा, पहले सीमेंट का निकाल लेंगे, यहाँ सीमेंट का निकालेंगे, नाउ द वेट ऑफ सीमेंट, सीमेंट इन मिक्सचर क्या मिला, तो हमें मिलेगा 27.5 इंटू कितना है 36 होल 4/11% है, तो इसको थोड़ा निकाल के हम लोग देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आते हैं तो मेरे को मिलता है, थोड़ा कलर चेंज कर 27.5 × 10 कर लेते हैं, फिर इंटू करते हैं, यहाँ पे 36 इंटू 11 होता है 396 प्लस 4/11 इंटू 100 लिख देते हैं पहले, फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब आइए ये क्या लिखा, गुड, यहाँ पे होता है 275 × 3 नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 10 × 11 × 100, यहाँ तो 00 कैंसिल हो गया, मेरा एक्सप्रेशन क्या मिला, मेरा एक्सप्रेशन क्या मिलेगा बताइए,
देखिए मेरे पास में 11 से ये कैंसिल होगा, देखिए 11 से ये कैंसिल होगा, कौन 11 वन जा 11, 11 टू जा 22, 11 फाइव जा 55, ठीक है। 24 इंटू 4 कितना होता है, 25 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 100 बाय 10 इक्वल टू 10 kg। सीमेंट कितना है 10 kg, पूरे मिक्सचर में सीमेंट जो है 10 kg। हमें क्या फाइंड करना है, तो वो बोला आल्सो डिटरमाइन द वेट ऑफ मिक्सचर, हम लोग निकाल लिए 27. क्या निकाल 5 kg, ठीक है, दैट विल कंटेन 4 kg वेट ऑफ सीमेंट। तो अगर वो डिटरमाइन होने के बाद 4 kg ऑफ सीमेंट करता है तब मिक्सचर का वेट कितना होगा, ये पूछ रहा है, देखते हैं क्या होता है ना। चले थोड़ा कलर चेंज करते हैं, बोला 10 kg सीमेंट देन मिक्सचर इक्वल टू 27.5 kg, 1 kg सीमेंट देन मिक्सचर कितना होगा 27.5 by 10, और 4 kg सीमेंट होगा तो मिक्सचर का वेट कितना होगा, कैंसिल करके बताइए आप, 27.5 by 10 इंटू 4, बताइए आप कितना होगा। चले हम आगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा तभी होगा, अन्यथा वो हो नहीं पाएगा। सर 11 kg, देखते 2 5 या 10, 2 2 या 4, ठीक है ना, 5 5 या 25 इंटू टू, दैट इज 10, द वेट ऑफ मिक्सचर आंसर कितना है, हां 27.5 kg वेट, नहीं तो 11 kg वेट, सही है। तो ये सब चीजें जो है हम लोगों को